Hello everyone, my name is Indrasen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss again a very prominent topic, and that is how we all can be mentally strong. Yes, my dear friends, we always focus to be, you know, physically strong. In that case, what exactly needs to be done to so that we can be mentally strong also? That's something which is very important, because nowadays lots of things are happening which we cannot digest in such a way that a lot of students are committing suicide and people are committing suicide just because of certain things, because they are not able to handle the situation as expected to be handled. Now in that case, this type of situation and circumstances may appear and come before you. So what exactly we need to do, we'll take a look in today's session. So aaiye shuruaat karte hain session ki, my dear friends. सो तीन बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और तीन क्वेश्चंस वर्ड हमें ध्यान में रखने हैं, दिमाग में रखने हैं, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप मेंटली वीक पा रहे हैं खुद को. तो जिसमें सबसे पहला वर्ड आपको दिमाग में रखना है, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज क्वेश्चन वर्ड व्हाई. यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इफ यू आर प्लानिंग सर्टेन थिंग्स टू डू, इन दैट केस इफ यू फील mentally weak yourself, if you find yourself mentally weak in that condition, then raise the questions to yourself, why do you feel so? That is something which is very important, because we never do though. कभी हम नहीं करते. तो उस केस में हमें ये क्वेश्चन खुद से पूछना है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर काम को करने के दौरान अपने आप को वीक पा रहा हूँ तो क्यों पा रहा हूँ, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या मेरी तैयारी में कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है, क्या मैं अपनी क्वालिटीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, क्या लोगों के द्वारा दिए गए कमेंट्स को मैंने दिमाग में बहुत ज़्यादा तवज्जुब दे दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग टू मी, व्हाई आई एम फीलिंग सो मच वीक स्पेशली व्हाइल परफॉर्मिंग दैट वर्क. दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते हो, यू विल कम टू नो दैट वॉट एग्जैक्टली यू आर मिसिंग इन दैट केस, व्हाई डू यू फील सो, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट. सी माई डियर फ्रेंड्स, आज के समय में ग्रेट बनना इज नॉट अ बिग डील, मीन्स यू कैन बी अ ग्रेट पर्सन, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर क्वाइट वीक इन दिस टाइम. लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग इन द इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कमांड ओवर देयर माइंड, एंड बिकॉज ऑफ विच इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग यू कैन विन ऑल द सिचुएशन एंड यू कैन स्टैंड इन द क्यू ऑन अ वेरी फर्स्ट स्टेप, ऑन अ वेरी फर्स्ट स्टेज आई मस्ट से. तो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है व्हाई, यानी अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को मेंटली वीक पा रहा हूँ तो क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्वेश्चन पूछना है. क्यों से आंसर आएगा कि क्या एग्जैक्टली रीज़न है, मतलब रूट कॉज क्या है उसके पीछे, वो आपको पता चलेगा. नाउ सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछना है व्हाट. यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें पता चल गया व्हाई यानी क्यों ऐसा हो रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है व्हाट यानी क्या है एग्जैक्टली. अगर क्यों हो रहा है ये पता चल गया तो अब क्या करना है उसके में, मीन्स व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन. तो अब मुझे पता चल गया क्योंकि मैं अपने आप को मेंटली वीक पा रहा हूँ व्हाइल गिविंग द एग्जामिनेशन, बिकॉज आई हैवन डन द प्रिपरेशन इन दैट वे. सो दैट इन मीन्स व्हाट, दैट व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन, देन आई हैव टू बी मोर स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग माई क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग माई सिलेबस. तो जब मुझे आंसर पता चल गया तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे काम करना शुरू करना है. ठीक है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मैं बहुत वीक महसूस कर रहा हूँ इन दैट केस, तो उस समय आपको पूछना है क्यों नहीं मिल रही है, क्या आपने अपने ऊपर काम नहीं किया है इसलिए नहीं मिल रही है, क्या आपके स्किल सेट स्ट्रांग नहीं है, क्या रेज्यूमे में कहीं कमी है, सही जगह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, अप्लीकेशन नहीं डाल पा रहे हो, वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है. ये व्हाई से पता चलेगा, व्हाट से पता चलेगा कि करना क्या है. नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड व्हेन. यस, थर्ड वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सब कुछ पता चल गया लेकिन अब अभी अगर हमें उस फील्ड में स्ट्रांग बनना है तो वी हैव टू सेट अ डेडलाइन कि मुझे इतने दिन में इस टास्क को कंप्लीट करना है या इतने दिन में इस टास्क को परफॉर्म करना है. तो अगर परफॉर्म करना है तो वो डेडलाइन फिक्स करना बहुत ज़रूरी है. माय डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं अगर हमारी लाइफ में हमने डेडलाइन फिक्स नहीं किया तो हम रिलैक्स हो जाते हैं. कोई भी काम हो, एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, हम रिलैक्स हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम्स होंगे ही नहीं. ठीक, उसके बाद अगर कहीं से कोई प्रेशर नहीं आता तो हम काम नहीं करते. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डेडलाइन, फिक्स अ टाइम कि यार पता चल गया है अब मैं इसको करने जा रहा हूँ, बट इतने दिन में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, इतने दिन में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा.
Now, believe me, my dear friends, if you complete these three questions, you will always remain mentally strong. Because क्यों लोग वीक बनते हैं? Because वो कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते खुद को. वो सिर्फ दूसरों के कमेंट्स में, दूसरों की एक तरीके से बातों में विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से वो सफ़र करते हैं. फाइनली दे कमिट सुसाइड. ठीक है, सच अ बिग थिंग. तो उस केस में या उस सिचुएशन तक हम ना पहुँचे, इसके लिए इन तीन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है. सो दीज थ्री क्वेश्चंस रेज टू योरसेल्फ, गेट द आंसर एंड फील मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग. बोथ, दोनों होना ज़रूरी है माई डियर फ्रेंड्स. फिजिकली क्या करना है, क्या नहीं करना है. बहुत बार स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फिजिकली भी बताओ, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई फील दैट आई एम अ बिट गुड इन दैट वे ऑल्सो. सो आई विल डेफिनेटली मेक अ सेशन एंड वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, दैट वॉट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन टू बी अ फिजिकली स्ट्रांग. तो उस पर डिटेल में बात करेंगे कभी. बट फिलहाल मेंटली स्ट्रांग होने के लिए तीन पॉइंट्स आप दिमाग में रखना, इन तीन क्वेश्चन को दिमाग में रखना, और कभी भी वीक महसूस नहीं करोगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज वी ऑलवेज कम अक्रॉस विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड इन्फॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर यू. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग जॉब सेंटर. थैंक यू.